sea mounts are underwater volcanoes. So these sea mounts are called as the underwater volcanoes. Means these are the volcanoes which are inside the water. So these are called sea mounts. So sea mounts refers to the underwater volcanoes. So जो भी volcanoes beneath the water रहते हैं are called as the sea mounts. Seismic wave. Seismic wave is simply energy that is transferred from one area to another within the earth interior. मतलब seismic wave क्या है? Simply energy है that is from one area to another within the earth's interior. तो ये waves होती हैं, ये responsible होती हैं earthquake में. तो during the earthquake जो waves study की जाती हैं उन्हें हम seismic wave कहते हैं. Okay? Now SAM. SAM is an environmental advocacy group organized primarily by civilians. Okay? It aims to protect the island which has the world's densest forest, the Philippine cleanest river and the majestic Mount Gating from future environmental degradation and exploitation. Next is called as the siltation. Siltation is the deposition or accumulation of silt. Means जब भी हम deposition or accumulation of silt करते हैं or a small grained material in a body of water is called as the siltation. Okay? Slash and burn agriculture or canning system is a rotating cultivation technique in which trees are cut down and burned into order to clear land for the temporary agriculture. Means for temporary agriculture, जब भी हम किसी agriculture को temporary use के लिए कोई land तैयार करते हैं तो हम उसमें ट्रीज को क्या कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं और बंड कर देते हैं. लेड टू द सिंपल कल्टीवेशन टेक्निक से होता है. ओके, नाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन आल्सो कॉल्ड एज द ड्राई फ्रिक्शन. जब भी हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन. ऑकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. मीन्स ये कब होता है, जब टू ऑब्जेक्ट्स आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर और स्लाइड होते हैं अगेंस्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सोलर सेल इज अ सेल डेट कन्वर्ट्स द सन्स एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी. जब भी हम सोलर सेल की बात करते हैं तो इज अ सेल, यह ऐसा सेल है जो कन्वर्ट्स करता है सन्स एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी. तो सोलर एनर्जी कलेक्टर इज अ डिवाइस डेट कलेक्ट रेडियंट एनर्जी फ्रॉम द सन. सो इट्स इज कॉल्ड अ डिवाइस जो क्या करता है, कलेक्ट करता है रेडियंट एनर्जी फ्रॉम द सन. जब भी हम सोलर पैनल की बात करते हैं तो सोलर पैनल और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल इज़ यूज टू कलेक्ट सनलाइट. तो ये वो मॉड्यूल है जो यूज टू कलेक्ट क्या करते हैं, सनलाइट को हम कनेक्ट करते हैं इससे. जब भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुपरवाइज्ड हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर सोर्स थ्रू रिकवरी प्रोसेस एंड डिस्पोजल के लिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं. जब भी हम सोनार का उपयोग करते हैं तो सोनार इज एन एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सो व्हाट इज इट, इज इट इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार इज एन एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन फ्लोर एंड टू लोकेट द संकन शिप्स. ये हमेशा डेप्थ किसके लिए, ओशन फ्लोर की डेप्थ को फाउंड करने के लिए और संकन शिप्स को लोकेट करने के लिए यूज होता है. स्कूल्स ऑफ फिश एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द ओशंस आर यूज बाय द सोनार. तो ये किससे, सोनार से यूज होते हैं. साउंड इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स डेट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द साउंड वेव्स. तो साउंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल होते हैं डेट मोस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द साउंड वेव्स. ओके, नाउ वी हेयर टॉक अबाउट द स्पीशीज. सो स्पीशीज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. स्पीशीज आर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेट टेंड टू मेट एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग. मीन्स ये टेंड टू मेट क्या करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. जब भी हम स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन इज द बर्निंग कॉज्ड बाय द बिल्डिंग अप ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्लो ऑक्सीडेशन. तो जब भी हम स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन की बात करते हैं तो इज द बर्निंग कॉज्ड बाय द बिल्डिंग अप ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्लो ऑक्सीडेशन. ओके, जब भी हम स्टॉर्म सर्ज की बात करते हैं तो इज एन एब्नॉर्मल राइज ऑफ वाटर जनरेटेड बाय अ स्टॉर्म. जब भी हम स्टॉर्म सर्ज इज एन एब्नॉर्मल राइज ऑफ वाटर जनरेटेड बाय अ स्टॉर्म ओवर एंड अबव द प्रेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल टाइड. ओवर एंड अबव द प्रेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल टाइड. ओके, नाउ द सिम्बायोसिस. व्हेन वी टॉक अबाउट सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है डेट इन्वॉल्व्स टू और मोर स्पीशीज विच आर लिविंग एंड इंटरेक्टिंग टुगेदर.
ये टू और मोर स्पीशीज़ को इन्वॉल्व करता है जो कि एक साथ रहती है और इंटरेक्टिंग करती हैं टुगेदर. नाउ वी टॉक्ड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट. सो टेक्टोनिक प्लेट इज़ अ मैसिव इररेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर. दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, नाउ द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम. वेन वी टॉक अबाउट टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ लैंड ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एंड इंटरेक्टिंग विद द लैंड एनवायरमेंट. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट थर्मोडाइनमिक्स. तो थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वॉट थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. जब भी हम सारे एनर्जी की फॉर्म्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स की. नाउ द टॉर्नेडो. टॉर्नेडो अपीयर एज अ वायलेंट फनल शेप्ड विंड वोल्टेक्स इन द लोअर एटमोसफियर विद द अपवर्ड स्पाइलिंग विंड्स ऑफ हाई स्पीड स्पॉन्ड बाय द थंडर स्टॉर्म्स. ओके, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज द चेंज इन द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. नाउ द ट्रॉपिकल डिप्रेशन. ट्रॉपिकल डिप्रेशन इज अ वेदर कंडीशन डैट एग्जिस्ट वैन विंड्स ब्लोइंग नियर द सेंटर डू नॉट एक्सीड 63 किलोमीटर पर आवर. मीन्स ट्रॉपिकल डिप्रेशन किसी भी वेदर में कंडीशन में तब एग्जिस्ट करता है जबकि जो हवा बहती है ना, ब्लोइंग ऑफ विंड्स, उसकी स्पीड कितनी नहीं होनी चाहिए, 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नाउ द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म्स. ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्लाउड्स और थंडर स्टॉर्म है. ओके,